हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आप सभी का GTA गाइस और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल होने वाला है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि GTA वाइस सिटी डेफिनेटिव एडिशन में आपको गेम सेव कैसे करना होता है। मतलब कभी कोई मिशन कंप्लीट किया तो वैसे ही ऑटो सेव हो जाता है, वहाँ से ही रिज्यूम होता है, लेकिन जब आपका मिशन ख़त्म हो चुका है और आप कुछ चीज़ें प्रोग्रेस कर चुके हैं फिर आपको सेव करना होता है, तब ऑटो सेव नहीं होता। तो वो कैसे करना है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मददगार वीडियो को देखते रहने के लिए, और ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर आपको लगे कि उनको भी इस चीज़ का ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये बाइक लेके अभी जाने वाले हैं कहीं पे। मैप में आप लोग उस मार्क को देख सकते हो। मैप में बेसिकली आपको एक सीढ़ी जैसा कुछ दिखेगा पिंक कलर का, तो हमें वहाँ पे ही जाना है। और आप लोग मैप में मार्क देख लो, तो मैप खुल चुका है और ये जो देख रहे हो पिंक कलर का मार्क, स्क्वायर शेप का सीढ़ी जैसा दिखता है, यहाँ पे ही आपको जाना है बेसिकली। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है होटल जैसा, वहाँ पे ही आपको गेम सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जल्दी से इधर चल लेते हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना अगर थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो। वैसे मदद तो हुई होगी, अगर तुम पहले से भी जानते हो फिर भी मदद, मतलब मदद नहीं कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कि ऐसे ही गेम को सेव करते हैं। पुराने वाइस सिटी में जो होता था, अगर आप कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदते थे तो वो मार्क आ जाता था जहाँ से आप सेव कर सकते हो गेम को, या फिर पॉज मेनू में भी था सेव करने का ऑप्शन। लेकिन इस वाइस सिटी में ना लोड गेम का ऑप्शन है ना सेव गेम का, तो आपको गेम ऐसे ही सेव करना पड़ेगा बेसिकली। तो चलो चल लेते हैं। और भाई टॉमी ये हमारा जो है खुद को ऐसा समझ रहा है, मतलब ज़्यादा दारू भी नहीं है भाई, सस्ते का मिलता है अभी तो ज़्यादा। अब तुम लोग मुझ पर शक करने लगे, अरे भाई मैं दारू नहीं पीता। ज़रूरी नहीं है कि जो जानता होगा दारू का मतलब मार्केट वैल्यूएशन कैसा चल रहा है वो दारू पीता हो। मैं नहीं पीता, मैं जानता हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं पीता। तो चलो टॉमी को लेके चलते हैं और स्टंट मार लेते हैं थोड़ा सा, मतलब बोर भी हो जाऊंगे ना तुम लोग मेरी ये कॉमेंट्री सुनते, तो थोड़ा स्टंट देख लो। और आ ही चुके हैं हम होटल के सामने, देख लो ई पे जो जगह मैप पे तो देख लिया था, अब सामने से भी देख लो, ओशन व्यू नाम है होटल का। तो इस होटल के अंदर ही आपको एक मार्क मिलेगा सर्कल टाइप का पिंक कलर का, जो फ्लोट कर रहा होगा और राउंड राउंड घूम रहा होगा, तो वहीं पे जाके आपको सेव गेम का ऑप्शन मिलेगा। तो देख लो ये जो सामने है पिंक कलर का फ्लोट कर रहा है, घूम रहा है, इसके ऊपर जाके आपको खड़े होना है। जैसे कि आप मिशन के जगह पे जाके करते हो पिंक मार्क पे खड़े होते हो, यहाँ पे भी वैसा ही करना है। जैसे ही अब जाओगे मेनू पे आ गए हो, अब देख लो मेरा लास्ट मिशन का ऑटो सेव यहाँ पे सेव है। तो अगर मुझे सेव करना है, आप वैसे तो कोई ज़रूरी बात नहीं है कि फर्स्ट स्लॉट पे ही करो, लेकिन ऑटो सेव फर्स्ट स्लॉट पे होता है, तो मैं वो रेकमेंड करूँगा कि दूसरे कोई स्लॉट पे करो। और जैसे ही आप सेव कर लेते हो, वैसे तो इसमें लोड गेम का कोई ऑप्शन नहीं है, आप अगर गेम को रन करते हो रिज्यूम करते हो फर्स्ट स्लॉट में जो सेव हुआ है वही आपका लोड होता है। तो जैसी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हो आपका गेम लेटेस्ट जगह से लोड हो तो फर्स्ट स्लॉट में ही करो, और अगर आप चाहते हो ऑटो सेव भी हो मिशन के बाद वाला स्टेज, और आपको ये गेम भी चाहिए मतलब जहाँ तक आप पहुँचे थे गेम प्रोग्रेस किए थे, तो सेकंड स्लॉट में करो, वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आप गेम को सेव कर सकते हो जिस भी स्लॉट में हो, और जब जहाँ तक आप प्रोग्रेस किए हो उसके हिसाब से नाम से सेव हो जाएगा आपका गेम। तो चलो मेरा तो अभी ऑटो सेव हुआ है, फिर भी मैंने सेव कर लिया आप लोगों के लिए। तो दैट्स इट गाइस, ऐसे ही आपको गेम को सेव करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।